नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार और आपके अपने भगत सिंह ज्ञान कोचिंग स्टडी पॉइंट में एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका जिस वीडियो में टॉपिक होगा पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता। पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता यानी पौधा अपना वेजिटेटिव या वनस्पतिक वृद्धि करने के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो मृदा से पोषक तत्व, एटमोस्फेयर से जो पोषक तत्व लेता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं। पौधों को पोषक तत्व या पौधों के लिए पोषक तत्व, पौधों के लिए पोषक तत्व। प्यारे दोस्तों, आज जो वर्तमान में पौधों के लिए जो पोषक तत्व है, उसकी वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व है, अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके लिए जो मृदा से पोषक तत्व लेता है, जो एटमोस्फेयर से पोषक तत्व लेता है, वे आज के समय में कितने हैं? 17। वर्तमान में कितने 17 पोषक तत्व। और प्यारे दोस्तों, ये पोषक तत्व हम पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पड़ेगी, यानी कि किस पोषक तत्व को, किस पोषक तत्व की पौधा कितनी मात्रा में उपयोग करता है या लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हम इसके कैसे पढ़ेंगे, अमाउंट बेस पे, अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी कि किस पोषक तत्व की कितनी मात्रा पौधे को चाहिए होती है। तो इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज। देखो, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये 17 पोषक तत्व आप कहोगे जी हम तो 16 पढ़े हैं, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में निकिल और जुड़ चुका है, पहले 16 थे। ये डिपेंड कहीं पे करेगा, ऑप्शनों पे। यदि ऑप्शन में दोनों आए तो आपको 17 पे लगाना होगा, यदि आपके ऑप्शन में 17 नहीं है तो आपको 16 पे लगाना होगा, क्योंकि वो पिछला ही पैटर्न क्या करे, फॉलो करेगा। लेकिन आज जो वर्तमान में 17 पोषक तत्व हो चुके हैं, जिसमें एक निखिल और सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के पोषक तत्व के लिए पोषक तत्व के रूप में जुड़ चुका है। तो प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर एक, वैसे मुख्य से मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। नंबर एक क्या होगा, मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट, यानी कि अगर मैं इस हिंदी की बात कर जाए तो इसे इस तरीके बड़े पोषक तत्व, यानी कि जिसकी मात्रा क्या है, प्लांट क्या करता है, अधिक लेता है। तो इसमें टोटल कितने हैं? 9। अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, वो दोस्तों 1.0 पार्ट पर मिलियन से अधिक की आवश्यकता होती है। से क्या होती है, 1.0 पार्ट पर पीएम से अधिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेजर या बड़े पोषक तत्व या मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है जी। दूसरा, इसके अंदर हम इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या लिखा है हमने, मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट या बड़े पोषक तत्व, संख्या कितनी होगी, 9, ठीक है जी। और इसके अंदर भी हमने क्या करा, दो भागों में डिवाइड करा। नंबर एक क्या होगा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्राथमिक पोषक तत्व, इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, प्राथमिक पोषक तत्व, इसे प्रमुख भी लिख देते हैं, ठीक है।
प्रमुख पोषक तत्व, ठीक है, जो चाहिए चाहिए होगी, लगभग इसकी 95% क्या होती है, पौधे को रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बड़े आसान है, आपको क्या रखना है, 96 के आसपास इसकी आवश्यकता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या लिखना, चौधरी, ये आपके ट्रिक है, ये आपके लिए क्या है, ट्रिक, ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है, एक ट्रिक, जल्दी याद हो जाएगा, चौधरी कफन, ठीक है जी। अगर हम इस चौधरी कफन को, ठीक है, चौधरी कफन को ओपन करेंगे तो उसमें से हमें कितने तत्व निकल के आएंगे, 6 तत्व निकल के आएंगे, ठीक है। देखो चौधरी कैसे लिखा जाएगा भाई, CHO, यानी कि क्या होगा, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन पोषक तत्व तो किससे निकले, चौधरी से निकले, ठीक है। और बाकी कफन, कफन में क्या निकलेगा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कफन को, K4 निकल लेगा, K4 पोटेशियम, ठीक है जी, F यानी कि P से बनेगा, P4 पोटेशियम, ठीक है जी, और N4 नाइट्रोजन, यानी कि NPK, इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, NPK नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ठीक है। और चौधरी के अंदर से क्या निकले, तीन पोषक तत्व निकले, तो बड़े आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ब्यूरो का भी पेपर आता, तो उस जो सडनली अभी ब्यूरो का पेपर आता, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया था कि बताए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व है पौधे के लिए। तो इसमें से आपने क्या करना था, तीन ऑप्शन तो कोई से और तत्व दे रखे थे और एक पोषक तत्व इनमें से दे रखा था, ठीक। तो आप ध्यान रखना है, अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट दिया जाएगा तो आपने छोटा सा वर्ड ध्यान रखना है, चौधरी कफन। जब आप कफन को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चौधरी तक क्या, CHO यानी कि नाइट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल करके आएगा। कफन के अंदर से क्या निकल के आएगा भाई, आपके अंदर पोटेशियम निकल के आएगा, आपके अंदर फास्फोरस निकल के आएगा, इसके अंदर से एक नाइट्रोजन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तीन पोषक तत्व तो किसके अंदर से निकल गए, कफन के अंदर से निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, अगर प्राइमरी न्यूट्रिएंट पूछा जाए या हिंदी में बोले तो प्राथमिक पोषक तत्व पूछा जाए, तो आपको क्या याद रखना है, चौधरी कफन। और देखो प्यारे दोस्तों, पौधे को इनकी तीनों की सबसे ज्यादा एक रिक्वायरमेंट होती है, चौधरी कफन, चौधरी की जो होते हैं सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 95% क्या होते हैं पौधे को इनकी क्या होते हैं रिक्वायरमेंट होती है। एक कैसे होगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, अब यहां तक इसको आप क्या करोगे, स्क्रीन शॉट मारोगे, दूसरा मैं लिखूंगा सेकेंडरी पोषक तत्व, ठीक है। जल्दी सी आप इसको एक शॉट लेते, चलो चलो प्यारे दोस्तों, आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं बी ऑप्शन, बी यानी कि मैक्रो का ही बी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, भी चलना नहीं है भाई, न्यूट्रिएंट की जगह एलिमेंट भी लिख देगा, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व, हिंदी वालों इसको द्वितीयक पोषक तत्व की जगह गौण पोषक तत्व भी लिख देगा, ठीक है, इसे गौण भी लिख देता है बाजी बाजी देता, ठीक है। इसका भी बड़ा आसान है, इसकी भी एक ट्रिक है, आपने क्या रखना है, याद कसम याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कसम, जैसे ही आप कसम आपके दिमाग में आएगी तो ये आएगा K4, देखो पोटेशियम तो आप कर चुके, K4 पोटेशियम तो आप कर चुके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम होगा, ठीक है। S4 क्या लिखोगे, सल्फर लिखोगे, M4 क्या लिखोगे, Mg, क्या लिखोगे, Mg, तो बड़ा आसान है। अगर आपसे पूछा जाए
कि पौधों को द्वितक निम्नलिखित में से पौधों को द्वितक पोषक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, तीन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा और अन्य कोई ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये इसी के अंदर आएगा भाई, अमाउंट रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 1 PPM से अधिक की आवश्यकता होती है, तो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अगला, हम फर्स्ट पार्ट अब पूरा कर चुके हैं, मैक्रो जो या मेजर न्यूट्रिएंट है वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड भी होगा, सेकंड माइक्रो, इसके बहुत ही ज्यादा नाम है, ठीक है, इसके बहुत ही ज्यादा नाम है, इसको ट्रैश भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ओलिगो बोलते हैं। देखो इंग्लिश में इसको तीन तरह के नामों से जाना जाता है, ठीक है भाई, तीन तरह के नामों से जाना जाता है, और हिंदी में एक ही वर्ड होगा इनके लिए, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक। अब प्यारे दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगी, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगी, ये सबसे पहले तो बात, इसकी अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है पौधों के लिए, अमाउंट रिक्वायर्ड, इसकी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है 1.0 पार्ट पर मिलियन से कम, यानी कि जो हमने मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट पढ़ा है इसके अंदर हम 9 पूरे कर चुके हैं। पहला जो हमने पढ़ा प्राइमरी न्यूट्रिएंट उसके अंदर 6 कर चुके, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट उसके अंदर 3 कर चुके, टोटल कितने हो चुके 9। अब मैक्रो के अंदर कितने आएंगे, टोटल कितने करने, 17, तो ये कितने करने पड़ेंगे हमने 8, तभी तो क्या होगा टोटल 17 होगा, क्योंकि वर्तमान में पौधों की आवश्यकता के लिए कितने पोषक तत्व है, कितने न्यूट्रिएंट, आप 17 बताए। मैंने कहा 9th क्या हो चुके, मेजर हो सके, बड़े पोषक तत्व हो चुके, और 8 क्या बचे, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसके अंदर मैंने क्या बताया, वर्तमान में जुड़ा हुआ क्या है, निकल। तो प्यारे दोस्तों इसकी जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, 1.0 पार्ट पर मिलियन से कम, इसकी क्या होती है मैक्रो के मेजर की 1.0 पार्ट पर मिलियन से अधिक, पार्ट पर मिलियन से अधिक। तो इसके अंदर भी क्या है, बड़ी आसान है ट्रिक याद रखनी है इसकी भी, देखो ट्रिक का क्या फंडा क्या होगा, माना कि कुबेर में जिंक व लोहा, लोहा बोले तो Fe, लोहा है, आयरन, ठीक है, तो देखो खोलते हैं इसको क्या लिखेंगे, Mn, ठीक है जी, एन को क्या लिखेगा आप, निकिल, ठीक है जी, की को आप लिख लो क्लोरीन, Cl, कितने पोषक तत्व निकल चुके, 3 सूक्ष्म पोषक तत्व निकल चुके, ठीक है, कुबेर Cu लिखोगे, ठीक है, और B4B लिखोगे, इससे क्या निकल जाएगा बोरान, इसमें R क्या है, साइलेंट, इसका कोई यहाँ पे क्या है ट्रिक नहीं यूज हो रही, ठीक है, M4 आप क्या लिखेंगे, मोडीबिटलम, ठीक है जी, और जिंक आपको Zn के रूप में मिलेगा, आयरन आपको Fe के रूप में मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों इसकी जो इनकी जो फुल फॉर्म है, जो इनके नाम पूर्ण लिखे हुए होंगे, वे आपको हमारे भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट, आप टेलीग्राम में इसको सर्च करोगे, जब इसको सर्च करोगे तो आपको ये जितना मैटर हमने यहाँ पे पढ़ाया है ये PDF फॉर्म में मिलेगा, बहुत ही अच्छे से रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, बाई लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो वहां से इसको आप देख सकते होगे, ठीक है जी। तो याद रहेगा भाई, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व, निम्नलिखित में से पौधे को किस पोषक तत्व की 1 PPM से कम की आवश्यकता होती है, भाई साहब क्या मिलेगा, इसमें से एक मिलेगा, बाकी 4 कोई सर में से मिलेगा, या कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की पौधों को 1
एक पार्ट पर मिलियन से, एक पार्ट पर मिलियन से अधिक की आवश्यकता होती है, तो फिर क्या करेगा, इसमें से क्या कर देगा, तीन इसमें से देगा और एक आपके मैक्रो या मेजर न्यूट्रेंट में से देगा, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किसको 1.0 पार्ट पर मिलियन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, तीन इसमें से देगा और एक फिर वापसी कीमत देगा, मैक्रो या मेजर न्यूट्रेंट में से देगा। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो आपको क्या करना है, इसको दबा के लाइक करना है और जो मेरी थोड़ी मोटी जो होगी, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए आए होगी क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, तो आप प्यारे दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आएगा उसको क्या कर लेना, प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, कंटिन्यू एक ना एक वीडियो डेली पर डे डालता रहूँगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों स्पेशल बात आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो सर अभी स्किप नहीं होना है, हम ग्रुप डी का स्पेशल ग्रुप डी और NTPC के लिए पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, कोर्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें से जो मैथ और रीजनिंग होगा हमारे प्रशांत सर है, मैं उसको इसी बाद में क्या कर दूंगा, एक फोटो उस पर मिलेगा, उस पर प्रशांत सर का फोटो मिलेगा, नाम प्रशांत सर लिखाएगा, और मैं क्या करूँगा, मेरा नाम प्रवेश कुमार है सर, ये मैं क्या करूँगा, इसमें मैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊंगा, और टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो ग्रुप डी और NTPC में आया हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।